अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। गुज़रिश्ता बरस जनूबी अफ्रीका दौरे पर बाल टेम्परिंग केस की जिद में आने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टैन स्मिथ, राजमियाद बल्लेबाज डेविड वार्नर और कैमरॉन बैनक्राफ्ट पर आयद पाबंदी अब ख़त्म हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तीनों क्रिकेटर की सजा खात्मे के बाद अब वर्ल्ड कप के लिए स्टैन स्मिथ और डेविड वार्नर की कैंगरोज के स्कोर में वापसी यकीनी है। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर इन दिनों भारत में जारी आईपीएल खेलने में मसरूफ है। इस लीग में स्टैन स्मिथ राजस्थान रॉयल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसके कप्तान भारतीय मिडल ऑर्डर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब स्मिथ से पूछा गया था कि वे अपने कप्तान को कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो इन्होंने बोर्ड पर बूम बूम को गेंद दी। वादे रहे कि क्रिकेट की दुनिया में बूम बूम का खिताब पाकिस्तान के साबित कप्तान और स्टार बल्लेबाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के पास है। जब इंटरव्यू लेने वाली खातून ने इनसे पूछा कि बूम बूम को गेंद देकर क्या मतलब है, तो इन्होंने मेजबान को तफसील से आगाह करते हुए कहा कि वो शाहिद अफरीदी का बॉलिंग एक्शन नकल करने की कोशिश करते हैं। इस बात से साफ जाहिर है कि स्टैन स्मिथ बूम बूम के दीवाने हैं और इसीलिए इनकी तरह गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।